हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू डीप टेक ऑफिशियल। तो दोस्तों आज की वीडियो ये है थर्ड पार्ट, और दोस्तों आज हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं स्टिकर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ऐसी टाइप की है जैसे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। जैसे कि आप व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो तो जरूर बनाते होंगे, और आपकी उसमें जो होती होगी स्टिकर्स बस सिंपल होती होगी, सिंपल ना ही मोशन होती होगी। पर इस वीडियो में आपको मोशन कराना मैं सिखाऊंगा, और ये कुछ अलग टाइप की है। जैसे कि आपकी स्टिकर्स वीडियो आप सेट करते हो, और वो स्टिकर्स वीडियो में आप इस टाइप की मोशन लगा सकते हो। ये जो देख रहे हो आप, ये लेयर टाइप की, इस टाइप की आप आराम से मोशन लगा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखनी है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे, बहुत सारे व्यूवर्स थे जिन्होंने सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे कमेंट्स किए, ज़्यादातर कि भाई मैं स्टिकर्स कैसे डाउनलोड करूँ, कहाँ से डाउनलोड करूँ, मुझे नहीं मालूम है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम है अगर स्टिकर से डाउनलोड करना चाहते हो, तो सारी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के स्टिकर से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों जो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों बनाई थी, वो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना जा करके, ठीक है। तो दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर पसंद आएगी वीडियो तो प्लीज़ या लाइक कर देना, यानी कि थम्सअप वाली बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना और हमें प्यार देना। तो चलिए दोस्तों हम सिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, हमने जो है काइन मास्टर ओपन कर लिया है। ये दोस्तों एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, और आज हम इसी पे आपको स्टिकर्स इफेक्टिंग वीडियो बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आप एमटी प्रोजेक्ट में चले जाइए, मीडिया ब्राउजर में जा करके एक आराम से सिंपल सा बैकग्राउंड ले लीजिए। हमने वाइट कलर का सिंपल सा बैकग्राउंड ले लिया है, और दोस्तों उसके बाद आप इसे इसकी लेंथ बड़ी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस जो इफेक्ट्स मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ उसकी एक टाइटल दे दूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों रिपल एफएक्स इफेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो है रिपल एफएक्स इफेक्ट्स जो है हम दोस्तों वीडियो में बनाना आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको वीडियो में पता चल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये जो इफेक्ट्स है रिपल, ये मैंने रिपल इफेक्ट से ही ये स्टिकर्स की इफेक्ट्स चेंज की है, इसीलिए मैं इसका नाम रिपल इफेक्ट्स ही दे दिया। तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक स्टिकर्स लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों आपको तो स्टिकर्स पे ही जो है काम करनी है, उसको बेटर बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एफएक्स इफेक्ट्स में आप लोग देख रहे हो बहुत सारी इफेक्ट्स मिल जा रही है, लास्ट में जो देख रहे हो रिपल जो मैंने दोस्तों टाइटल दिया था वही है, मतलब कि इसी का मैं यूज करूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों देखिए, उसके बाद ये जैसे ही आप ले लेते हो तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की दिखेगी, आपको बस इसको क्रॉप कर देना है, मतलब कि इसकी साइज इतना तक रखना है कि आपकी स्टिकर्स जो है वो इसके अंडर में आ जाए, मतलब कि कवर हो जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोशन एकदम अच्छे से हो रही है। और दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में आप आते हो तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो बहुत सारे, मतलब कि अलग अलग इफेक्ट्स में दे सकते हो, मतलब कि ज़्यादा जो लहर टाइप की होती है ज़्यादा आप दे सकते हो, कम दे सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपको पसंद आए, स्लो रखनी है, फास्ट रखनी है, जो लहर है उस टाइप की, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे ही कर देते हो आपको ठीक लगता है, उसके बाद आप सेव कर दो। उसके बाद ये देख रहे हो दोस्तों, ये जो है मोशन होने लगेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी स्लो होगी मोशन, जहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो आप बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि बहुत के काइन मास्टर में जो होती है ये सारी इफेक्ट्स नहीं होती है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये है कि आप यहाँ पे गेट मोड की ऑप्शंस में जा करके बहुत सारे काइन मास्टर असेट स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसमें डाउनलोड करने में भी अगर कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मतलब कि आपको जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों वो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसकी मदद से आप कोई भी चीज़ जान सकते हो इस वीडियो के अंदर में, ठीक है दोस्तों, जो भी है। तो ऐसे ही आप करो, मेरी तभी नेट नहीं चल रही इस कारण से डाउनलोड नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अभी हो सकता है कि अभी और नए नए इफेक्ट्स आए होंगे, इफेक्ट्स तो आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, मैंने इस बार कुछ चेंजिंग वाले लिए हैं, मतलब कि जो एफएक्स इफेक्ट्स है वो कुछ अलग टाइप का लिया है। तो दोस्तों ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसका एक डुप्लीकेट निकाल लो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो।
इफेक्ट्स लेने के बाद एक आप डुप्लीकेट निकाल लो। उसके बाद दोस्तों देखिए आप इफेक्ट्स में वापस से आ जाओ और इसकी जो है आप थोड़ी सी चेंज कर दो। तो ये मैं सारे के 100-100 कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कुछ इस टाइप की हो गई है और बैक में जो हो रही है मोशन हो रही है, ठीक है, तो लाइनिंग टाइप बन गई है। यहाँ देखिए दोस्तों जो हमने एडिटिंग आपको दिखाया सिखाया वो बनकर रेडी है और मैं उसे प्ले करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों कितनी शानदार लग रही है, एकदम मोशन कर रही है, मतलब लहर की तरह एकदम लग रही है, पानी जैसे लहर करती है उस टाइप की ये वीडियो हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जो आप लोग वीडियो देखे हो ये वीडियो पार्ट 3 थी और दोस्तों इसकी पार्ट 4 जो है वो मैं बना दूंगा। बस आपको एक कमेंट्स कर देना है वीडियो में कि अगर कि आपको वो पार्ट 4 वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं दोस्तों उसकी वीडियो दे दूंगा। और दोस्तों पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।